तो हेलो, हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा हेड के वाल ग्रीन कैसे किया जाता है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को पाना क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले हमारा ये एक पाना हो गया, और दूसरा हो गया हमारा प्लास, और तीसरा हो गया हमारा एमरी, जो इसके वाल में लगा के ग्रीन किया जाता है। ये एमरी, इसको हम लोग एमरी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके की एमरी होती है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं दिखाता हूँ इसके वाल जो मैं डाल रहा हूँ नए, इसमें वाल, और वही वाल को ग्रीन करना है। तो ये रहा मेरा वाल, और मैं लगाऊंगा इसमें अब एमरी कुछ इस तरीके से। आप लोगों को भी लगा लेना है कुछ इस तरीके से, इसको लगा के पूरे में कुछ इस तरीके से लगाना है जल्द फटाफट। और पूरे में लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अब क्या करना है। तो वीडियो पे बने रहो और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो अभी मैं ये वाल देख रहा हूँ, मेरे चारों तरफ लग चुकी है एमरी। अब मैं ये मेरा बड़ा वाल है, तो मैं इसको डालूंगा कार्वेटर की साइड में। तो हमारा बड़ा वाल कार्वेटर की साइड में लगेगा, कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया। और अब मैं लेता हूँ इसमें ये जो मैंने एक पाना सबसे पहले उठाया था ये वाला, तो इसको लगा के कुछ इस तरीके से, और इसको कर देना है टाइट। तो ये मेरा हो रहा है टाइट, प्लास से पकड़ के इसको मैं कर दूंगा फुल टाइट। तो हमारा ये फुल टाइट हो गया, और अब इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से इसको घुमाना है, और इसको ग्रीन करना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इसको घुमाते रहना है कम से कम 5 मिनट तक। 5 मिनट तक घुमाने के बाद इसको निकाल लेना, तो हमारा वाल ग्रीन हो जाएगा। तो अब मैं लगा देता हूँ इसकी फिनिश वाली एमरी कुछ इस तरीके से। ये फिनिश वाली है, ये एकदम फिनिश आती है, पॉलिश की तरह एकदम रहती है। तो इसको लगा के और इसको भी इसी तरह घुमा के फटाफट से घुमाना, और घुमाने के बाद इसको भी 2-3 मिनट में कर घुमाने के बाद निकाल लेना है। तो फाइनली मेरा वाल हो चुका है, और मैंने एक को ग्रीन किया है और दूसरे को भी मैंने ग्रीन कर दिया है। ये देख सकते हैं आप लोगों को, दोनों वाल को मैंने ग्रीन कर दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया है एक कि कैसे मैंने लगाया और कैसे मैंने किया। तो सेम उसी तरीके से दूसरे वालों को भी कर लेना। तो अब मैं चलता हूँ, इसकी मैंने डीजल से धुलाई कर दी है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं आप लोग पूरे हेड को और वाल को, और इसके जो लॉक स्प्रिंग जो सब आते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको धुलाई करके, और अब मैं इसको करूँगा फिट। तो मैं अब फिट करके इसको दिखाता हूँ फिट कैसे करना है। तो अब सबसे पहले हमको लगाना है वाल सील, इसकी जो हेड की वाल सील आती है कुछ इस तरीके से। इसको लगा देना है एक इसमें और एक इसमें, दोनों को बैठाना है हाथ से कुछ इस तरीके से, दबा के बैठा देना है। तो फाइनली मेरी ये बैठ चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा, फाइनली मेरी ये बैठ चुकी है दोनों। तो अब मैं इसमें लगाऊंगा एक वाल। तो वाल किस तरीके से लगाना है मैं बताता हूँ आप लोगों को, वीडियो पे बने रहो और वीडियो को लाइक कर दो। मैं बार बार कह रहा हूँ लाइक ज़रूर करो। तो ये रहा मेरा एक जो वाल है, ये वाल को लगाना किस तरीके से, इसमें लगा लेना है तेल कुछ इस तरीके से, नया इंजन ऑयल लगा लेना है कुछ इस तरीके से, लगा लेना इसमें इंजन ऑयल। और अब इसको लगाना, तो हमारा ये बड़ा वाला वाल है, तो इसको लगाएंगे हम कार्बोरेटर की साइड में कुछ इस तरीके से। इसको लगा लिया, और लगाने के बाद कर देना इसको एक बार, इसको अंदर बाहर करके देख लेना हमारा फ्री है या नहीं। तो फाइनली मेरा ये फ्री है। तो अब इसमें लगाऊंगा एक वाइसर, जो इसका वाइसर नीचे का रहता है, ये वाइसर कुछ इस तरीके से ये लगेगा। और उसके बाद अब लगेगी हमारी 2 स्प्रिंग, एक पतली वाली जो है वो अंदर रहेगी, और मोटी वाली जो है वो बाहर रहेगी। तो कुछ इस तरीके से लगा के, और इसी को इसके अंदर लगा देना है। तो ये आराम से बैठ गई मेरी स्प्रिंग, मेरी बैठ चुकी है। और अब मैं बताऊंगा इसका लॉक कैसे बैठाना है। तो लॉक में बैठाऊंगा इसका हाथ से बैठाऊंगा, कोई पाना नहीं लगाऊंगा, कोई पुलर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ हाथ से मैं इसका लॉक बैठा के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये मेरा लॉक रहा, और ये मेरा वाइसर, तो इसी में कुछ इस तरीके से फंसा लिया मैंने, ये मेरा फंस गया। और इसको अब यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दिया। और अब मैं लूँगा एक प्लग पाना, ये जो एक्टिवा का प्लग पाना छोटा वाला आता है कुछ इस तरीके से, इसको ले लेना और इसको रखना है कुछ इस तरीके से वाल के नीचे। एक ये मेरा, मैंने पाना को नीचे रख दिया, और इसके नीचे अब वाल को मैं
सेट करूंगा, वाल इसी के ऊपर बैठ जाएगा। और दो उंगली की मदद से, दो अंगूठे की मदद से देख सकते हो, मैं इसको बैठा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने दबाया, इसको कुछ इस तरीके से दबाना है। इसमें कोई पुलर और कोई पाना नहीं लगता है, आराम से ये हाथ से ही बैठ जाता है। तो मैं इसको हाथ से ही बैठाता हूँ। बाकी हमारा स्प्लेंडर और पैशन जो हीरो की गाड़ियाँ हैं, इसमें बहुत कम बैठता है, इसमें पाना लगाना पड़ता है। तो बाकी ये जो पल्सर है, डिस्कवर है, ये सब मैं हाथ से ही बैठाता हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मैं इसको हाथ से बैठा रहा हूँ, आप लोग गौर से देखना, ये मैं हाथ से बैठा के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मेरा एक लॉक बैठ चुका है और दूसरा मैं बैठा के दिखाता हूँ। तो फाइनली मेरा दोनों बैठ गए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने इसको हाथ से बैठाया, हाथ से बैठाया मैंने इसको, कोई पाना नहीं लगाया मैंने, सिर्फ और मैंने नीचे वाल रोकने के लिए एक पुलर लगाया, एक पाना लगाया जो प्लग पाना है। अब मैं इसी तरह दूसरे वाले को बैठाऊंगा। तो चलो फटाफट से मैं दूसरा वाले भी बैठा के दिखाता हूँ। तो अब मैं लगाता हूँ दूसरा वाला लॉक। तो मैंने स्प्रिंग और वाल और इसका जो वाल सील सब लगा दिए। तो हम इसको फिर से देखना, मैं इसको हाथ से बैठाऊंगा, इधर वाले को भी, इधर भी मैं कोई पुलर नहीं लगाने वाला हूँ। उसी तरह सेम करना आप लोगों को, उसी तरह सेम। तो फाइनली मेरे ये बैठ गए, नीचे सिर्फ प्लग पाना मैंने लगाया और ऊपर हाथ से दो अंगूठे की उंगली की मदद से इसको मैंने बैठा दिया। आप लोगों को दिख रहा होगा ये मेरा फाइनली बैठ चुका है, दोनों मेरे लॉक बैठ चुके हैं, दोनों बैठ चुके हैं लॉक। कुछ इस तरीके से आप लोगों को भी बैठा लेना है। और अब मैं इसको मैं चेक करा के दिखाऊंगा आप लोगों को, ये लीकेज तो नहीं है। तो वीडियो पे बने रहो और मैं दिखाता हूँ लीकेज ये है या नहीं। तो फाइनली मैं अब लेता हूँ इसमें कुछ केरोसिन ले लूँगा, या डीजल ले लूँगा, या पेट्रोल ले लूँगा। तो मैं इसमें ले रहा हूँ केरोसिन। तो केरोसिन हमको, ये देखो मैं, ये केरोसिन मेरा है। तो कुछ इस तरीके से इसमें डाल के, इस तरीके से मैंने डाला साइलेंसर की तरफ से। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, कोई लीकेज नहीं है। उतना ही हमारा केरोसिन भरा हुआ है, कोई लीकेज नहीं है। तो एक मैंने फाइनल आप लोगों को दिखा दिया। तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को दूसरा वाला, तो दूसरा वाला हमारा लीकेज है या नहीं। तो फाइनली मैं अब दिखाता हूँ दूसरे वाले को। तो ये रहा मेरा केरोसिन, और केरोसिन मैं डाल रहा हूँ कार्बोरेटर की साइड में। तो हमारा यहाँ से लीकेज है या नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला भी मेरा लीकेज नहीं है, एकदम प्रॉपर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसको आराम से अब हम फिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और इसी तरह आप लोगों को भी कुछ इसी तरह से वाल ग्रीन करके और फिट कर देना है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।